एसपी ऑफिस में उस समय सब हक्के बक्के रह गए जब एक लड़की दौड़ते हांफते हुए एसपी मोहम्मद यूसुफ कुरैशी के दफ्तर में पहुंची। लड़की ने बताया कि एक युवक उसका पीछा कर रहा है और उसे मार देगा। इस पर एसपी ने तत्काल पुलिस को पीछा कर रहे युवक को पकड़कर लाने को कहा, लेकिन पुलिस देख युवक भाग खड़ा हुआ। मूसाखेड़ी में रहने वाली दीपा भागते हुए एसपी मोहम्मद यूसुफ कुरैशी के दफ्तर में पहुंची थी। उसने एसपी को बताया कि घर के पास रहने वाला इस्माइल उर्फ पहलवान पिता वाहिद खान उसे जबरदस्ती अपने साथ रखना चाहता है, वे उसे धमका रहा है। उसने बताया कि अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर मां का एक्सीडेंट करवा दिया। पीछा करते हुए वे डीआईजी ऑफिस में घुस आया है, मुझे मार डालेगा। ये सुनते ही एसपी ने तत्काल महिला टीआई ज्योति शर्मा और फोर्स आरोपी को पकड़ने भेजा, लेकिन आरोपी पुलिस को देखते ही भाग निकला। एसपी ने कार्यवाही का आश्वासन दिया है, आरोपी की तलाश की जा रही है। दीपा बोली कि पुलिस भी सुनने को तैयार नहीं है। इस्माइल आए दिन मेरे बच्चे और मेरी मां को मारने की धमकी दे रहा है और लगातार ऐसा करने की कोशिश कर रहा है। वे अभी भी मेरे घर वालों को धमका के आ रहा है। इस्माइल पिछले 4-5 साल से मेरे साथ मारपीट कर रहा है। आज भी जब मैं शिकायत करने आ रही थी तो उसने मुझे रोक लिया था और आने नहीं दे रहा था। जैसे तैसे मैं जान बचाकर भागी और यहां पहुंची। उसने बताया कि इस्माइल प्रॉपर्टी का काम करता है और मैं भी उसके साथ काम कर रही थी। वे मुझसे 24 घंटे काम करवाता है और मना करने पर रुपयों की मांग करता है और मारता पीटता है। उसने बताया कि उसने मुझसे शादी नहीं की है, मेरे पूर्व पति से एक बेटा है जिसे मारने की धमकी देकर वह काम करवाता है। इधर आरोपी इस्माइल की पत्नी गुलनाज भी एसपी के पास पहुंची और शिकायत करने वाली दीपा की गुमशुदगी की जानकारी दी। जैसे ही एसपी ने शिकायत देखी तो पूछा, जिसे तुम गुमशुदा होना बता रही हो, वे तो सामने खड़ी है। इस पर वे बोली कि ये मेरे पति से विवाह कर चुकी है, दो बच्चे भी हैं जो मेरे साथ रहते हैं, मुझे पति से अलग कर झूठी शिकायतें करती है, पिछले कुछ दिनों से लापता है, इसलिए उसकी गुमशुदगी दर्ज करवाने की रिपोर्ट करने आई थी। इस पर एसपी कुरैशी ने पूरे मामले में जांच के आदेश दिए हैं। शिकायत करने वाली दीपा की गुमशुदगी की जानकारी दी। जैसे ही एसपी ने शिकायत देखी तो पूछा, जिसे तुम गुमशुदा होना बता रही हो, वे तो सामने खड़ी है। इस पर वे बोली कि ये मेरे पति से विवाह कर चुकी है, दो बच्चे भी हैं जो मेरे साथ रहते हैं, मुझे पति से अलग कर झूठी शिकायतें करती है, पिछले कुछ दिनों से लापता है, इसलिए उसकी गुमशुदगी दर्ज करवाने की रिपोर्ट करने आई थी। इस पर एसपी कुरैशी ने पूरे मामले में जांच के आदेश दिए हैं। करवाने की रिपोर्ट करने आई थी इस पर एसपी कुरैशी ने पूरे मामले में जांच के आदेश दिए हैं।